बाड़मेर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई सौगात देंगे। कोविड फील्ड अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण होगा। केयर्न वेदांता कंपनी ने अस्पताल को अंतिम रूप दिया है। बालोतरा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। कोविड फील्ड अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण आज होगा। केयर्न वेदांता कंपनी की ओर से अस्पताल तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ किया जाएगा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक शेरा। अशोक, क्या है विस्तार से बताएं, अस्पताल की क्या सुविधाएं मिलने वाली है इलाके के लोगों को? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में पिछले काफी दिनों से जो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला था, उन दिनों बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में और अन्य स्थानों पर बेड की बहुत ही किल्लत थी। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण जिस प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट या सारी प्रकार की जो कमियां दिख रही थी, इसी के चलते जो बाड़मेर में तेल खनन का काम कर रही है केयर्न वेदांता कंपनी, उन्होंने उस कंपनी द्वारा बाड़मेर के जो जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल है उसके मैदान में 100 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक बहुत ही शानदार अस्पताल बनाया गया है। ये फील्ड अस्पताल है। हालांकि जब तक कोरोना का संक्रमण रहेगा, कोरोना का असर पूरे प्रदेश में या बाड़मेर में रहेगा, तब तक ये अस्पताल बना रहेगा। और इसकी ये 6 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक 11 बजे इसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित और बालोतरा का जो उप जिला अस्पताल है, वहां पर जो अभी ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं उनका भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। और इसके साथ साथ राजवेस्ट कंपनी यहाँ पर जो कोयला बनाने के काम करती है, उसके द्वारा भी बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जो जिला अस्पताल है वहां पर एक आपात यूनिट जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है उसका भी वर्चुअल लोकार्पण। और मैं आपको इस कोविड अस्पताल की बात करूं तो इस कोविड अस्पताल में 100 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें 80 बेड है वो ऑक्सीजन युक्त है और इसके अलावा 20 बेड है वो वेंटिलेटर है, आईसीयू है। और बहुत ही शानदार यहाँ पर सुविधाएं दी गई है कंपनी के द्वारा। और इसके अलावा डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उन सब रहने के लिए अलग से पूरे क्वार्टर्स बनाए गए हैं। और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद में लोकार्पण करेंगे। जी आशीष जी, अशोक, लोकल स्तर पर क्या कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है? कौन कौन लोग, कौन जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे अस्पताल के पीछे और ये सारी जो व्यवस्था है इसको लेकर बाड़मेर के जो विधायक है मेवाराम जैन, उन्होंने काफी मेहनत की थी, कंपनी के अधिकारियों से बात की थी। और इसके अलावा भी जो कोरोना काल था उस दौरान उन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर मेहनत की और लोगों को संक्रमण से बचाने हेतु दिन रात ये 2400 घंटे मेहनत कर रहे थे। और अभी जो वर्चुअल प्रोग्राम होगा इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि कोरोना का संक्रमण है इसलिए ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित नहीं होगी, लेकिन जो वर्चुअल प्रोग्राम में कंपनी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन सहित कुछ अन्य मौजूद रहेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बाड़मेर संवाददाता अशोक शेरा, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी कि 11 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाएगी।